अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, तो देर किस बात की, चले आइए, सपनों के साथ आइए, सफलता के साथ जाइए। अवतार कोचिंग सेंटर, विशाल सर, प्रफुल सर और विकास सर निरंतर एनडीए, एयरफोर्स और नेवी में रिजल्ट देने के लिए पिछले 8 सालों से जाने जाते हैं। आगे यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पास आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि सारे बच्चे को जिस उम्मीद से आते हैं उस उम्मीद के साथ उसको हम भेजें और ढेर सारे गार्जियन के घरों में खुशियाँ लाएं। बिहार में अभी सर्वाधिक रिजल्ट देने का हम लोग का रिकॉर्ड रहा, लास्ट ईयर भी हम लोग बिहार में सबसे ज़्यादा रिजल्ट दे रहे हैं और देते भी आएंगे। जी हाँ, हमारा पता है अवतार कोचिंग सेंटर, करबिगहिया बस स्टैंड रोड नियर पटना जंक्शन, पटना। ज्यादा जानकारी के लिए हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7319695151 और दूसरा नंबर है 7295846300। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। और चमकी बीमारी का जो लक्षण है उसमें बुखार आता है, बच्चा जो है आंख बक बात करने लगेगा, खाना पीना छोड़ देगा, सुस्त हो जाएगा, कोने में बैठा रहेगा, उसको उल्टी आने लगेगी, समझ रहे हैं, और शरीर पे चकत्ते, लाल लाल दाने पड़ सकते हैं, काले काले दाने पड़ सकते हैं। आंख बक बात करने का मतलब है सामान उठा के फेंकने लगेगा, भूत प्रेत दिखाने लगेगा और झटका आ सकता है। झटका जो है वो ऐसे आंख बंद करके भी आ सकता है, ऐसे टेढ़ा हो सकता है, या तो एक हाथ से टेढ़ा हो सकता है, और या तो बच्चा अचानक गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको चमकी बीमारी कहते हैं। अगर ऐसा कोई लक्षण मिल रहा हो, यानी बुखार आ रहा हो, बच्चा अकबक बात कर रहा हो, शरीर में चकत्ते हो रहे हो, उल्टी हो रही हो बार बार, पेशाब नहीं कर रहा हो, पीलिया हो गया हो, तो फौरन जो है सरकारी हॉस्पिटल में जाइए या तो आशा एएनएम के पास जाइए, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाइएगा। वो लोग ग्लूकोज की बोतल गलत चढ़ा देते हैं, उसकी वजह से दिमाग जो मस्तिष्क जो है उसमें दिमाग फूला रहता है, ज्यादा पानी चढ़ाने से और दिमाग फूल जाता है, उसकी वजह से आपका बच्चे को जान का खतरा हो सकता है। और ये बात जैसे हमने आपको बता दी है वैसे ही गांव-गांव में सबको बताओ कि जाओ सरकार जो है टीका लगवा रही है वो टीका लगवाओ, बच्चे को खूब पानी पिलाइए, लीची अगर बहुत ढेर सारा खा लेता है तो रात में कोई मीठा खिला के खाना, रोटी खिला के, चावल खिला के सुलाइए, समझ रहे हैं, पानी खूब पिलाना है, शरबत पिलाइए, पानी पिलाइए, जूस नहीं, पानी पिलाइए, और जो है साफ सुथरा रखिए, घर के आसपास कोई गंदगी हो फौरन अपने पंचायत में मुखिया जी को या फिर जो नेता जी कोई भी जो बनते हैं आपके जिम्मेदार की हम आपकी रक्षा करेंगे, उनसे बोलिए कि नहीं हमको हमारा नाला 15 दिन से गंदगी पड़ा हुआ है, साफ कराइए, हे मच्छर आ रहे हैं, मक्खी गंदगी फैल रहा है, उसको साफ कराइए, नहीं तो हमारा बच्चा बीमार हो जाएगा। आपका संदेश, आप ये संदेश गांव-गांव जाके दीजिए, आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप ही के बच्चे मर रहे हैं, ये नेता लोग नहीं सुनेंगे, बात समझ रही है, क्योंकि गरीबी के बच्चे मरे हैं, कोई अमीर का बच्चा नहीं मरा है, सिर्फ गरीब के बच्चे मर रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग ये संदेश कि चमकी बीमारी का कोई लक्षण हो वो तुरंत जो है आशा एएनएम से बात करके या 108 नंबर एम्बुलेंस पे फोन करके फौरन जो है वो संपर्क करें, ठीक है, सबके समझ में आ गया, कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिए। देखिए घर साफ सफाई रखना है, घर के बाहर की साफ सफाई रखना है, बच्चे को साफ सुथरा रखना है, लैट्रिन करने के बाद हाथ धुलना जरूरी होता है, खाना खाने के बाद, अरे पहले हाथ धुलना जरूरी है, खाना खाने के बाद हाथ धुलना जरूरी है, कोई भी फल बिना धुले बिना साफ किए हुए ऐसे नहीं खा लेना है, लीची भी है तो उसका छिलका उतार के पहले देख लो कहीं जानवर ने कोई काटा तो नहीं हुआ है, समझ रही है, और कोई भी सुबह का खाना शाम को नहीं खाना है, अगर सुबह खाना खा रहे हो दोपहर में तो उसको गर्म कर लो, जितनी बार दूध पिला रहे हो उतनी बार दूध को खौलाओ, चाहे उसमें पानी मिला खौलाओ, लेकिन खौलाओ ताकि जो जहर है बैक्टीरिया घुस जा रहा है वो मर जाए, ठीक है, और खास कर
देखिए जो जो बच्चे कमजोर हैं, जो बच्चे जितने छोटे हैं उतने ज्यादा बच्चों को उनको बीमारी हो रही है। तो ये लड़ाई है, अगले पता जब पानी नहीं भर जाएगा शायद बीमारी कम जाए, लेकिन अभी 10-15 दिन अभी बहुत खतरा है। तो थोड़ा सा भी अगर बुखार तेज हो रहा है, बच्चा कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो फौरन संपर्क कीजिए। धन्यवाद।